हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, क्या आपको पता है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। अग्निवीरों को BSF और CISF में मिलेगा 10% आरक्षण, आयु सीमा में भी बड़ी छूट। बता दें कि अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों BSF और CISF में होने वाली भर्तियों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। बुधवार को गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है। BSF के प्रवक्ता ने कहा कि अग्निवीर 4 साल मशक्कत करके तैयार होते हैं, उन्हें लेना ऐसे ही है जैसे हमें तैयार सैनिक मिल रहे हों। अग्निवीर योजना का सभी बलों को लाभ मिलेगा, थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद इन्हें मोर्चे पर तैनात किया जा सकेगा। BSF ने कहा कि अग्निवीरों के लिए हम 10% आरक्षण देंगे और उन्हें आयु सीमा में भी रियायत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम तो अग्निवीरों का इंतजार कर रहे हैं। अग्निवीरों के पहले बैच को 5 साल की छूट आयु सीमा में मिलेगी, इसके बाद होने वाले बैचों को 3 साल की रियायत दी जाएगी। BSF की तरह ही CISF पूर्व अग्निवीरों को बल में नियुक्त करने को तैयार है। अर्धसैनिक बल के महानिदेशक ने कहा कि उन्हें कांस्टेबल पद पर नियुक्ति में 10% आरक्षण है, वह आयु व शारीरिक दक्षता परीक्षा में रियायत मिलेगी। होम मिनिस्ट्री की ओर से ये बड़ा फैसला ऐसे समय में हुआ है जब विपक्ष की ओर से लगातार अग्निवीर भर्ती योजना को वापस लेने की मांग उठ रही है। दिल्ली मार्च जारी रखेंगे, राहुल गांधी के साथ मुलाकात के बाद किसानों का ऐलान, संसद में भी उठेगी आवाज। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में सुधार के लिए सरकार पर दबाव बना रहे किसानों ने संसद परिसर में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। उन्होंने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के 12 किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद एक किसान नेता ने कहा कि सरकार उनकी मांगें मानने में विफल रही है और वे दिल्ली मार्च जारी रखेंगे। किसानों में से एक जगजीत सिंह दल्लेवाल ने NDTV से कहा कि सरकार अब तक आश्वासनों को पूरा करने में विफल रही है, स्वामीनाथन रिपोर्ट का क्रियान्वयन जरूरी है, हम दिल्ली की ओर 6 मार्च जारी रखेंगे। आवास योजना का सर्वे कराएगी बिहार की नीतीश सरकार, तब छूटे गरीबों को मिलेगा पक्का मकान। बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार आवास योजना का फिर से सर्वे करवाएगी और इससे छूटे हुए गरीबों को पक्का मकान मिल सकेगा। दरअसल ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि गरीबों का मकान बनाने को फिर से सर्वे होगा, इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है। सर्वे के बाद जैसे ही सूची तैयार होगी राज्य के छूटे हुए गरीबों को पक्का मकान बनाया जाएगा। सरकार सभी अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने हेतु संकल्पित है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन विजय कुमार खेमका ने अल्पसूची के प्रश्न के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिलों को 65,713 का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इसमें से 63,531 आवासों की स्वीकृति दी गई है, 31,142 आवास का निर्माण हो चुका है जो स्वीकृति के विरुद्ध 49% है। हिमाचल प्रदेश में बंद होंगे 99 स्कूल, 460 स्कूलों को किया जाएगा मर्ज, सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सरकारी स्कूलों में घट रही विद्यार्थियों की संख्या पर चिंता जताई गई है। इसके साथ ही फैसला लिया गया है कि जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की शून्य संख्या है ऐसे 99 स्कूल बंद किए जाएंगे। इसके साथ ही 5 और 5 से कम दाखिला वाले 460 स्कूलों का विलय किया जाएगा। प्राइमरी स्कूल 2 किलोमीटर और मिडिल स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे में मर्ज किए जाएंगे। हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी, कई सालों से डटे अफसरों के होंगे तबादले। हिमाचल प्रदेश में इस महीने के अंत या फिर अगले महीने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। इस दौरान प्रदेश में 3 साल से एक ही जगह पर डटे हुए अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। इस बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय ने आबकारी, जल शक्ति, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी समेत कई विभागों के अधिकारियों, प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर ऐसे अधिकारियों की सूची तलब की है जो कि 3 या उससे अधिक सालों से एक ही जगह पर डटे हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में ऐसे अधिकारियों की परफॉर्मेंस का आकलन भी किया जाएगा।
भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मिली 40 करोड़ की हेरोइन, बीएसएफ ने किया भंडाफोड़। खबर है कि राजस्थान में भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगातार ड्रग्स मिल रही है। सीमा सुरक्षा बल ने श्री गंगानगर और बीकानेर से सटे हुए बॉर्डर से पिछले 24 घंटे में 44 करोड़ की हेरोइन बरामद की है। इससे पहले 15 जून को श्री गंगानगर के ही कैलाश पोस्ट और PS44 गाँव से 60 में भी हेरोइन पकड़ी गयी थी। राजस्थान के अनूपगढ़ में भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में बीएसएफ ने संदिग्धों की शिनाख्त के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया है। 2 किलो हेरोइन मिली है। अनूपगढ़ जिले के नेमीचंद पोस्ट के पास से एक खेत में ये हेरोइन बरामद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। दिल्ली में देश का सबसे बड़ा कावड़ शिविर, मंत्री ने दावा कर बताया मिलेंगी ये सभी सुविधाएं। दिल्ली के राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 20,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था करते हुए कश्मीरी गेट पर देश का सबसे बड़ा कावड़ शिविर लगाया है। एक सरकारी बयान के मुताबिक आतिशी ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए इस कावड़ शिविर का दौरा किया और उन्होंने कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर प्रशासन को चौकस रहने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि शिविर में पुरुष और महिला कावड़ियों के लिए अलग अलग हॉल हैं। इसके साथ ही प्रसाद ग्रहण करने के लिए विशाल भोजन कक्ष है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली भर में 185 कावड़ शिविर लगाए गए हैं और जहां पर वाटरप्रूफ टेंट, सोने की व्यवस्था, स्वच्छ पानी और शौचालय आदि सुविधाएं हैं। मंत्री के मुताबिक सभी शिविरों में 24 घंटे चिकित्सा कर्मी मौजूद रहेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर कावड़ियों को तत्काल इलाज मुहैया कराया जा सके। उन्होंने कहा कि स्थानीय औषधालयों को शिविरों से संबंध किया गया है और आपातकालीन स्थिति के लिए कैट एम्बुलेंस भी तैनात किए गए हैं। इस महीने 22 जुलाई से प्रारंभ हुए सावन महीने के साथ ही कावड़ यात्रा शुरू हो गई है, जिसका समापन 2 अगस्त शिवरात्रि को होगा। बड़ी संख्या में कावड़िए दिल्ली पहुंचेंगे, जबकि उनमें से कुछ दिल्ली की सीमाओं से होते हुए यहां हरियाणा और राजस्थान जाएंगे। अफ्रीका में फंसे हुए 27 मजदूर झारखंड लौटे, सीएम ने की वीडियो कॉल पर बात, बताया कैसे करवाई वापसी। मध्य अफ्रीकी देश कैमरून में कथित रूप से फंसे हुए झारखंड के 27 मजदूर राज्य लौट आए हैं। इन मजदूरों ने हाल ही में एक वीडियो संदेश में यह दावा करते हुए राज्य सरकार से मदद मांगी थी कि उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनके नियोक्ता तनख्वाह नहीं दे रहे हैं और उन्हें खाने पीने तक का इंतजाम करने में दिक्कत हो रही है। एक सरकारी बयान के मुताबिक इसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखकर उनसे इन प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील की थी। इसके बारे में जानकारी देते हुए सोरेन ने एक्स पर लिखा कि हमें अफ्रीका के कैमरून में फंसे हुए झारखंड के 27 लोगों की मुश्किलों के बारे में पता चला। उसके बाद झारखंड सरकार ने पहल की और उन्हें उनके बकाया 30 लाख रुपए दिलवाए गए और उन्हें राज्य में वापस लाया गया। बिहार में लिफ्ट और एक्सेलरेटर के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी, थर्ड पार्टी का भी होगा बीमा, विधानसभा में विधेयक हुआ पारित। बिहार सरकार का लिफ्ट एंड एक्सेलरेटर विधेयक 2024 विधानसभा में पारित हो गया है। विधेयक पारित होने के बाद अब प्रदेश में लिफ्ट और एक्सेलरेटर लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा और इतना ही नहीं, थर्ड पार्टी को भी बीमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस विधेयक में कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई और जुर्माने का भी प्रावधान है। विधानसभा में नीतीश सरकार के ऊर्जा और योजना और विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार लिफ्ट और एक्सेलरेटर विधेयक 2024 पेश किया। इसके बाद इसे पारित कर दिया गया। विधेयक पारित होने के बाद अब बिहार में लिफ्ट और एक्सेलरेटर के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड पार्टी को भी बीमा कराना होगा। 20 साल बाद लिफ्ट और एक्सेलरेटर को फिर से बदलना होगा। इस कानून को न मानने वालों के खिलाफ 3 महीने की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों का दंड भी लगाया जा सकता है। बेल के लिए उमर बेकरार, दिल्ली दंगे के आरोपी की याचिका पर हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद की एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। दरअसल उमर खालिद ने UAPA के तहत अपने ऊपर दर्ज केस में जमानत के लिए याचिका लगाई थी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU के पूर्व स्कॉलर उमर खालिद पर दिल्ली दंगे के दौरान व्यापक पैमाने पर साजिश रचने का आरोप है। उमर खालिद पर UAPA के तहत केस दर्ज किया गया था। अदालत में जस्टिस सुरेश कुमार केत और जस्टिस गिरीश कटपालिया की बेंच ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है और मामले को अगली सुनवाई के लिए 29 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया है। बता दें कि जस्टिस अमित शर्मा ने उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।
शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, किसानों की मांगों के लिए समिति गठित करने का दिया निर्देश। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने इस मसले पर निर्णय के लिए एक समिति गठित करने का आदेश दिया है। समिति में अधिकारियों, किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की विभिन्न मांगों पर विचार करने के लिए समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की कानूनी गारंटी देने समेत अन्य मांगों पर विचार करना होगा। सलमान खान ने लिया लॉरेंस बिश्नोई का नाम, कहा मुझे मारने के लिए करवाई फायरिंग। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई गोलीबारी के मामले में बड़ा दावा किया गया है। खबर है कि मुंबई पुलिस के सामने सलमान खान ने कहा कि उन्हें लगता है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ही उन्हें मारने की कोशिश की थी। 13 अप्रैल को दो बाइक सवारों ने एक्टर के बांद्रा स्थित आवास पर गोलीबारी की थी और इसके बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था। बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान का बयान दर्ज किया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान ने मुंबई पुलिस से कहा है कि मुझे लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने मुझे और मेरे परिवार को मारने के लिए गोलीबारी करवाई थी और इससे पहले भी पुलिस सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान के बयान ले चुकी है। आतंकवादी या तो जेल में रहेंगे या फिर जहन्नुम में जाएंगे, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की दो टूक। कश्मीर समेत देश की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए सरकार ने कहा कि उसकी नीति आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की है और आतंकवादी या तो जेल में रहेंगे या फिर जहन्नुम में जाएंगे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये भी बताया कि विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को अगस्त 2019 में हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने 900 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है। आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प जताते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में 28 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। यूपी से असम तक लो प्रेशर के 5 सेंटर, दिल्ली यूपी समेत इन राज्यों में पूरे हफ्ते झमाझम बारिश। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR के इलाकों में बुधवार सुबह को तेज बारिश हुई जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि अभी भी उमस बरकरार है। आपको बता दें कि दिल्ली यातायात पुलिस के मुताबिक दिल्ली NCR क्षेत्र में बारिश से कई स्थानों पर जलभराव और यातायात जाम हो गया और बारिश की वजह से परिवहन की व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने दिल्ली में बृहस्पतिवार तक येलो अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही IMD ने राजधानी और आसपास के इलाकों में 28 जुलाई यानी सप्ताहांत तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भी अगले 4 दिन यानी 28 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहां भी बुधवार को कई इलाकों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य के कुछ हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने राज्य में तेज हवाओं और निचले इलाकों में जल भराव के कारण बगानों और खड़ी फसलों और कच्चे मकानों को नुकसान होने के बारे में चेतावनी भी दी है। चीनी निवेश पर फिर से नरम होगी भारत सरकार, इन सेक्टर्स में एंट्री देने की तैयारी। खबर है कि बीते कुछ सालों में चीनी निवेश पर सख्त रहा भारत अब कुछ ढील दे सकता है। भारत की ओर से कुछ सेक्टर्स में चीनी निवेश को मंजूरी दी जा सकती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह मंजूरी सोलर पैनल, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में दी जाएगी जो कि रणनीतिक लिहाज से बहुत संवेदनशील नहीं है। इसके अलावा भारत में फिलहाल इन सेक्टर्स में एक्सपर्ट्स की जरूरत है। खास तौर पर कम कीमत में उत्पादन की एक चुनौती है जिसे चीनी कंपनियों की एंट्री से दूर किया जा सकता है। दो सरकारी सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में विशेषज्ञता की कमी है और इसके चलते घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग कमजोर है। श्री अकाल तख्त में हुई सुखबीर बादल की पेशी, राम रहीम की माफी पर सौंपा जवाब। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश हुए उन्होंने अकाल तख्त को कई मामलों में अपना स्पष्टीकरण सौंपा है। सुखबीर ने बंद लिफाफे में अपना जवाब दिया। उन्हें डेरा प्रमुख राम रहीम का पक्ष लेने, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा शिरोमणि अकाली दल के 90 लाख के विज्ञापन जारी करवाने, सुमेध सैनी की नियुक्ति और बेअदबी मामलों समेत सभी आरोपों पर जवाब देना था। उनके साथ अकाली दल के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दलजीत चीमा भी मौजूद थे। अब श्री अकाल तख्त साहिब पर 5 सिंह साहिबान स्पष्टीकरण पर विचार करेंगे और माफीनामे को लेकर फैसला सुनाएंगे।
लटकाकर मत रखिए, बंटवारा कर दीजिए, अमित शाह से बोले अजीत पवार, मांगी इतनी सीटें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ अजीत पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द करने की गुजारिश की। शाह के साथ मीटिंग में अजीत पवार ने सीट बंटवारे को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और लोकसभा चुनाव की तरह आखिरी समय तक लटकाकर नहीं रखने की सलाह दी है। इस मुलाकात के दौरान पवार ने अमित शाह से एनसीपी के लिए 80 से 90 सीटें देने की मांग की है। वहीं इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पवार उन 54 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने के लिए अड़े हुए हैं जहां पर 2019 में एनसीपी की जीत हुई थी। इन सीटों के अलावा अजीत पवार पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र की उन 20 सीटों पर भी कैंडिडेट उतारना चाहते हैं जहां पर कांग्रेस जीती थी। पीएम मोदी को स्टालिन की चेतावनी, निष्पक्ष हो जाइए वरना अलग थलग पड़ जाओगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को सख्त लहजों में चेतावनी दी है कि अगर वह शासन पर ध्यान देने की बजाय विपक्षी दलों और नेताओं को निशाना बनाना जारी रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब वो अलग थलग हो जाएंगे। दरअसल बजट 2024 जारी होने के बाद से विपक्षी दल और नेता भाजपा सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि जिन राज्यों में भाजपा या उनके गठबंधन साथियों की सरकारें नहीं हैं उन राज्यों की उपेक्षा की गई है और इस एवज में कांग्रेस ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया और कांग्रेस के साथ स्टालिन भी ऐसा ऐलान कर चुके हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के चीफ और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने नरेंद्र मोदी सरकार पर उनके राज्य की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारतीय राज्यों ने भाजपा के 400 पार के सपने को चकनाचूर कर दिया, इसलिए अब ये राज्य उनकी उपेक्षा झेल रहे हैं। स्टालिन ने आगे कहा कि चुनाव खत्म हो गया है, अब हमें देश के बारे में सोचना है। तो बजट 2024 आपकी हुकूमत बचा लेगा लेकिन देश नहीं बचाएगा। निष्पक्ष होकर सरकार चलाइए वरना अलग थलग पड़ जाओगे। आज का सुविचार, इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास कोई समस्या नहीं है और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।